गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है रामसार साइट्स को लेके। ये जो आपका कवर होता है ये आपके एनवायरनमेंट वाले पार्ट में कवर होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन सी जो पांच जो नई रामसार साइट्स जो हैं, इंडियन साइट्स जो हैं, जिनको रामसार साइट में इंक्लूड किया गया है। तो न्यूज़ देखते हैं। इंडिया हैज़ एडेड 5 मोर रामसार साइट्स और वेटलैंड्स डेट आर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ब्रिंगिंग द नंबर ऑफ सच साइट्स टू 54। असल में ये जो नंबर है ना ये 70 प्लस हो चुका है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बोला था कि हम 15 अगस्त तक आते आते जो इंडिया है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रामसार साइट्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, ताकि जो इंडिया का जो नंबर है उसमें जो है एशिया के जो ऐसी जो है कंट्री बन जाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार साइट्स हों। तो उन साइट्स को हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। आज उनमें से जो है हम पांच साइट्स ही जो हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो आपकी रामसार साइट्स हुआ करती थी वो 49 हुआ करती थी, ठीक है। अब इन फाइव को मिला के हो गई हैं वो आपकी 54, और उसके बाद जो है और साइट्स जो इंक्लूड की गई हैं वो भी धीरे धीरे हम जो है कवर करते जाएंगे। तो आज फिलहाल इन्हीं पाँच के बारे में देखते हैं कि ये पाँच कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप करिकिली बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में। पलीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में। पिचावरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु में। साख्या सागर, ये मध्य प्रदेश में। और पाला वेटलैंड, ये है मिजोरम में, ठीक है। इन पांचों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वेटलैंड्स के बारे में। वैसे तो जो मेरी स्टैटिक क्लासेज हैं उसमें मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम कवर कर लेते हैं। वॉट इज़ अ वेटलैंड, कि वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड इज़ एन एरिया दैट इज़ कवर्ड विद शैलो लेयर ऑफ वाटर ड्यूरिंग सम और ऑल ऑफ द ईयर। वेटलैंड वो एरिया होता है जिसमें जो है वाटर की एक लेयर हो, चाहे तो वो सारा साल भी रह सकती है या फिर सीजनल भी हो सकती है वो जो वाटर की लेयर है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन सीजनल होने का मतलब ये नहीं होता कि उसको जो है हम मतलब जब उस पर वाटर नहीं होगा तो उसको जो है हम वेटलैंड के अंदर उसमें डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, इसका जो वाटर लेवल होता है कंपेयर टू द अदर लैंड्स, ठीक है, इसका जो वाटर लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है आपकी एक्वेटिक जो लाइफ होती है वो सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, अगर वहाँ पे वाटर हो या फिर ना हो, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो इसमें यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, इनकेस अगर जो वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या थोड़े सीजन के लिए वाटर ना भी प्रेजेंट हो तब भी, ठीक है। तो उस जगह को कहते हैं वेटलैंड। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, की वेटलैंड जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। वेटलैंड्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी वाइटल हैं। दे आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, क्रेडल फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डेट प्रोवाइड्स वाटर एंड प्रोडक्टिविटी अपॉन विच काउंटलेस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड फॉर देयर सर्वाइवल। अब क्योंकि यहाँ पे जो होती है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स वे में जो होती है वो मिलती है, ठीक है, मतलब बहुत सी स्पीसीज जो होती हैं वेटलैंड्स में जो है पाई जाती हैं। उसके अलावा जो वेटलैंड के पास वाला एरिया होता है वो एज ए इकोटोन एक्ट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो मेरी स्टैटिक क्लासेज हैं उसमें आपने देखा होगा कि इकोटोन जो है वो किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेटलैंड के पास वाला एरिया होता है ये एज ए इकोटोन वर्क करता है, और यहाँ पे जो होती है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अदरवाइज भी ये जो वेटलैंड होते हैं वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हमने बायोडाइवर्सिटी के जो फायदे हैं वो देखे हैं कि जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा डाइवर्सली फैली हुई होगी, वो जो होगी वो जो इकोसिस्टम होगा उतना ही रिच होगा। वेटलैंड्स आर इंडिस्पेंसेबल फॉर काउंटलेस बेनिफिट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, एंड दे प्रोवाइड ह्यूमैनिटी रेंजिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर सप्लाई, फूड एंड बिल्डिंग मटेरियल एंड बायोडाइवर्सिटी टू फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है। तो ये सब जो है हमें जब मैंने अपनी स्टैटिक क्लास कराई थी तब मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ कराया था कि ये जो वेटलैंड्स होते हैं, अब वेटलैंड्स में आपके क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं, और वो किस लिए हमें हेल्प करते हैं, वो फ्लड कंट्रोल में हमें जो है वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये जो ये होते हैं आपके वेटलैंड्स होते हैं ये ग्राउंड वाटर को जो है रिचार्ज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फूड और बिल्डिंग मटेरियल ये भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, फ्रेश वाटर सप्लाई ये वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड्स जो होते हैं इसके बहुत से फायदे होते हैं। अभी ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसको मनाया जाता है 2 फेब 2020 को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है मनाया गया, और इसका जो ये देखो आप थीम देख सकते हो, लाइफ थ्राइव्स इन वेटलैंड, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस पे, इंडियाज रामसार वेटलैंड आर स्प्रेड ओवर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 10% ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया इन द कंट्री अक्रॉस 18 स्टेट्स. 18 स्टेट्स में जो है 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है जो वेटलैंड जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है. और ये इंडिया का जो है टोटल 10% ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया जो है यहाँ पे पाया जाता है इन 18 स्टेट्स में. नो अदर साउथ एशियन कंट्री हैज एज मेनी साइट्स टू विच दिस मच टू डू विद इंडियन ज्योग्राफिकल ब्रेथ एंड ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी. अब देखो ये जो यूनाइटेड किंगडम है, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ पे 175 वेटलैंड साइट्स हैं. मेक्सिको है, ये कितनी छोटी कंट्री है, यहाँ पे देखो 142 वेटलैंड साइट्स हैं. ये स्मॉलर कंट्रीज हैं इंडिया से, लेकिन और उसके अलावा ये जो बोलीविया, ये भी काफ़ी छोटी कंट्री है. इसमें इसका जो टोटल लार्जेस्ट एरिया है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट एरिया यही कवर करती है. तो इसका जो एरिया है 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है. तो इतना एरिया ये जो है अपने वेटलैंड्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है इसने. नेक्स्ट देखते हैं किसी उसके लिए मतलब रामसर साइट में आने के लिए क्या मतलब क्या होता है उसका, कि अगर कोई साइट जो है वो डेजिग्नेट कर दी गई है एक रामसर साइट. बीइंग डेजिग्नेटेड अ रामसर साइट डज नॉट नेसेसरी इनवाइट एक्स्ट्रा इंटरनेशनल फंड, बट दैट स्टेट एंड सेंटर मस्ट इंश्योर दैट दीज ट्रैक ऑफ लैंड्स आर कंजर्व्ड एंड स्पेयर्ड फ्रॉम मैनमेड इंक्रोचमेंट, ठीक है. यहाँ पे जो है इस वेटलैंड साइट में इंक्लूड होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आपको जो है कोई एक्स्ट्रा इंटरनेशनल फंड आएगा. हाँ, हालांकि फंड्स जो होते हैं वो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो फंड जो होता है बहुत ज्यादा होता है. लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है कि जो जिस पर्टिकुलर स्टेट में या सेंटर की तरफ से वो जो रामसर साइट जो है उसको डिक्लेयर किया गया है, तो वो क्या करते हैं, वो इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि वहां का जो लैंड हो उसको कंजर्व किया जा सके और जो मैन मेड इंक्रोचमेंट है उससे बचाया जा सके उसको. Acquiring this label also helps with local tourism potential and its international visibility. अब जब कोई जगह जो होती है जिसको वेटलैंड जो है घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जो होता है लोकल टूरिज्म जो होता है वो फ्लरिश करता है और उसको इंटरनेशनल जो रिकॉग्निशन है वो भी मिलती है. Until 1981, India had 41 Ramsar sites. ठीक है, 1981 तक 41 Ramsar sites हुआ करती थी. लेकिन पिछले 10 सालों में देखा गया है कि वो जो राइज है ये काफ़ी शार्प हुआ है, ठीक है. एकदम से जो है 13 साइट्स जो है उनको इंक्लूड कर लिया गया और अभी ये जो है आपकी जो गिनती है ये 70 प्लस जा चुकी है. अब रामसर साइट में इंक्लूड होने के लिए या रामसर साइट बनने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, ठीक है. इसको डिफाइन किया जाता है रामसर कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है. इन्होंने जो है 9 क्राइटेरियाज जो दिए हैं, अगर उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया कोई जो साइट है वो कवर करती है या फुलफिल करती है, तो उसको जो है रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा. सच ए सपोर्टिंग वल्नरेबल, और वो क्राइटेरिया कौन कौन सा है, वो सपोर्ट करता हो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को और थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटी को, ठीक है. जो ऐसी कम्युनिटी जो थ्रेटन्ड क्राइटेरिया में आती हो उसको जो है, अगर रामसर साइट में वो रह रही है तो उस साइट को, अगर उस साइट पे रह रही है तो उस साइट को जो है रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया जा सकता है. उसके अलावा अगर वो सपोर्ट करती हो 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, ठीक है, अगर इसमें 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स हों तब भी उस साइट को रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है. इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज, अगर वहां पे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड हो फिशेज के लिए या स्पॉनिंग ग्राउंड हो, ठीक है, या फिर नर्सरी हो या फिर मिटिगेशन माइग्रेशन पाथ हो ऑन विच फिश स्टॉक्स आर डिपेंडेंट अपॉन, ठीक है. तो ये सारे जो क्राइटेरिया है, अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया कोई साइट जो है वो फुलफिल कर रही है तो उस साइट को जो है रामसर साइट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा. अब देखते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में. दिस कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971 इन ईरानियन सिटी ऑफ रामसर. ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पे जो है इस कन्वेंशन को साइन किया गया था. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल करेक्टर ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है, इसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कहा जाता है या फिर रामसर वेटलैंड रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है. इट एम्स टू डेवलप अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, ताकि ह्यूमन लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो उसको कंजर्व किया जा सके. अगर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपकी बायोलॉजिकल जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी और एट द एंड ऑफ दिस जो ह्यूमन लाइफ है वो भी खत्म हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी.
द रामसर कन्वेंशन वर्क क्लोजली विथ सिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कन्वेंशन जो है सिक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है काम करती है. वो सिक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स, IOPs कहते हैं उनको. अब वो देखते हैं वो कौन कौन है. सबसे पहले बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है, सेकेंड है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, थर्ड है IWMI, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फोर्थ है वेटलैंड इंटरनेशनल, फिफ्थ है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सिक्स है इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ठीक है, WWT. तो ये जो छह ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रामसर साइट्स के साथ या रामसर कन्वेंशन के साथ मिलकर जो है काम करती हैं. एज पर रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड रिपोर्ट, द वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग 3 times फास्टर देन फॉरेस्ट, ठीक है. ये जो वेटलैंड्स हैं फॉरेस्ट के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है ये डिसअपियर हो रहे हैं. द अलार्मिंग सिचुएशन डिमांड अर्जेंट अटेंशन एज 40% ऑफ वेटलैंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ब्रीड इन वेटलैंड्स, ठीक है. तो जो वर्ल्ड के जो 40% ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये ब्रीड कहाँ पे करते हैं? वेटलैंड्स पे, ठीक है. अब क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ज़्यादातर वो पानी के आसपास में ही पाए जाते हैं, ठीक है. तो इस वजह से यही इसी जगह को वो अपना ब्रीडिंग ग्राउंड भी बनाते हैं. द वेटलैंड्स आर ऑल्सो वाइटल फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी जो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं ना, तो उनके लिए भी ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह एक्ट करते हैं. जैसे आपका ये जो हरी के पत्तन है यहाँ पे, ये भी जो है जो आपकी साइबेरियन क्रेन है उसके लिए ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड का ये काम करता है, ठीक है. हरी के पत्तन जो आपका यहाँ पे है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट अब देखते हैं कौन से जो पांच जो वेटलैंड जो साइट्स हैं उनके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा है किरीकिली बर्ड बर्ड सेंचुरी. कारीकली किली बर्ड सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु में है, उसकी कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहां पे ये जो है इसको वेटलैंड साइट जो है वो बनाया गया है. दिस बर्ड सेंचुरी स्प्रेड ओवर 5 किलोमीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तक का एरिया है एंड इज होम टू कॉर्मोरेंट्स, एरगिट्स, ग्रे हेरॉन, ओपन बिल्ड स्टॉक, डार्टर, स्पूनबिल, व्हाइट इबनिस, नाइट हेरॉन, गिब्रिस, ग्रेप पैलेशियन अमंग अदर्स, ठीक है. यहाँ पे ये सारे जो है स्पीसीज जो है ये पाई जाती हैं. नेक्स्ट पली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट. अब देखो ये जो मैंने पीछे आपको स्पीसीज कराई, अगर तो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, ठीक है, तब तो आपके लिए ये चीज़ है इंपॉर्टेंट. अगर आप ग्रेड बी के जो स्टूडेंट हो या ग्रेड बी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. ये सारी जो स्पीसीज लर्न करनी है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या पीसीएस के एस्पिरेंट हो तब जो है आपको जो है इनको याद करना पड़ेगा. पीसीएस के एस्पिरेंट्स भी उनको याद करना पड़ेगा जिनकी स्टेट में ये वाली जो है सेंचुरी हो, ठीक है. मान लो जैसे पंजाब के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए सिर्फ जो पंजाब के वेटलैंड है वो इंपॉर्टेंट है. वहां पे कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे मैंने आपको साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया जो माइग्रेटरी बर्ड है जो रशिया से आता है फेब मंथ में, रशिया से आता है हरी के पत्तन में, ठीक है. यहाँ पे ये ब्रीडिंग ग्राउंड अपना बच्चे मतलब यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं ये, और फिर जैसे ही जो सर्दियाँ होती हैं वो खत्म होती हैं तो ये आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, वापस चले जाते हैं रशिया में या साइबेरिया में. नेक्स्ट आते हैं पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट. हाँ, अगर आप ग्रेड बी के स्टूडेंट हो तब बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए और ये कहाँ पे बने ये पता होने चाहिए, ठीक है. और क्योंकि इतने सारे एक साथ बन गए हैं तो एज सच इतना कोई चांस भी नहीं है कि आपसे जो है एक पर्टिकुलर जो है नाम पूछ लिया जाए. हाँ, अगर जो आप पंजाब के स्टूडेंट हो और पंजाब का कोई न्यू जो वेटलैंड है उसको रिकॉग्निशन मिल जाती है तब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तब आपने उसको कवर करना है. लेकिन अभी जो है आपको सिर्फ इतना कवर करना है कि जो पंजाब की जो टोटल सॉरी पंजाब की वेटलैंड साइट्स कितनी है और इंडिया में जो टोटल वेटलैंड साइट्स हैं वो कितनी हो चुकी हैं, ठीक है. वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग, अभी पल्लीकरनई के बारे में देखते हैं, वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड ऑफ चेन्नई सिटी. द मार्श रेन एरिया इज 250 square kilometers एनकंपासिंग 65 वेटलैंड्स. अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी द पल्लीकरनई मार्श इज वन ऑफ द फ्यू नेचुरल कोस्टल एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है. ये जो आपके जो वेटलैंड्स होते हैं ना बहुत कम ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो कि नेचुरल कोस्टल एक्वेटिक हैबिटेट हों, ठीक है. तो ये जो आपका ये वाला वेटलैंड है पल्लीकरनई ये उसमें क्वालिफाई करता है, ठीक है. तो इसलिए ये वाला जो वेटलैंड है ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आते हैं पिचावरम मैंग्रोव. पिचावरम मैंग्रोव इज लोकेटेड अ विलेज नियर चिदम्बरम इन कडलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है. ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है. इट हैज एन आईलैंड, ये आईलैंड है ऑफ वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट. द मैंग्रोव इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया कवरिंग 1100 हेक्टेयर. नेक्स्ट आते हैं साखे सागर.
इट इज क्रिएटेड फ्रॉम मैनियर रिवर इन 1918. साकेत सागर लेक इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोलॉजी ऑफ माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी मध्य प्रदेश. ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है. मार्श क्रोकोडाइल्स आर अबंडेंस इन साकेत सागर लेक. ठीक है, यहाँ पे जो है मार्श क्रोकोडाइल्स जो है वो अबंडेंस में जो है पाए जाते हैं. लास्ट आते हैं आपका पाला वेटलैंड. पालकदिल और पाला टीपू मीन्स स्वॉलिंग द लेक इन मारा लैंग्वेज. मारा लैंग्वेज आपकी मिजोरम की. लोकेटेड नियर फोरा विलेज इन सहिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम. ठीक है, ये यहाँ पे है सहिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम में. एंड इज होम टाउन टू अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन फॉल्स अंडर द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो ये आपका वेटलैंड है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ये पाया जाता है. ये जो आपका हॉटस्पॉट है ये रिच है इन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज. ठीक है, यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी जो है काफी डाइवर्स फॉर्म में जो है वो पाई जाती है. द लेक इज मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इज सपोर्ट द मेजर बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सेंचुरी. अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रामसर साइट्स के बारे में जो है आप देख सकते हो कि ओल्डेस्ट रामसर साइट जो है वो चिल्का लेक है. ये कहाँ पे है? उड़ीसा में. ठीक है, और ये कब इसको रिकॉग्निशन मिली थी? 1981 में. ठीक है, और दूसरी कौन सी है? क्योल आदिओ घाना नेशनल पार्क. ये कहाँ पे है? राजस्थान में. और ये भी बनी थी 1981 में. उसके अलावा लार्जेस्ट रामसर साइट्स कौन सी है, मतलब एरिया वाइज जो है लार्जेस्ट वो कौन सी है? एक है सुंदरबन वेटलैंड्स. ठीक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो यहीं पे पाए जाते हैं सुंदरबन वेटलैंड्स में. ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में. इसका टोटल एरिया कितना है? 4,230 square kilometers. नेक्स्ट है आपकी वेम्बदन कोल वेटलैंड. ये कहाँ पे है? केरला में. इसका टोटल एरिया कितना है? 1,512. नेक्स्ट है चिल्का लेक. ये कहाँ पे है? उड़ीसा में. इसका एरिया है 1,165. नेक्स्ट कुछ आप फैक्ट्स देख सकते हो. देयर आर ओवर 24 रामसर साइट्स कवरिंग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, टेरिटरीज ऑफ 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 24 ऑलमोस्ट जो है 2400 से जो ज्यादा रामसर साइट्स जो है वो पाई जाती हैं. और वो कितना एरिया कवर करती हैं? 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. वर्ल्ड की जो फर्स्ट रामसर साइट थी वो थी कॉबरॉग में, कॉबरॉग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इसको डेजिग्नेट इसको किया गया था रामसर साइट इन 1974. और उसके अलावा ये वाला फैक्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ कि जो बोलीविया है वो सबसे ज्यादा जो एरिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करती है रामसर प्रोटेक्शन में वो कौन सी कंट्री है? बोलीविया. अब तीनों के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हो, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, रामसर साइट और वेटलैंड. ठीक है, वेटलैंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. रामसर साइट आपकी वो साइट्स होती हैं जिनको जो है रिकॉग्निशन मिल जाती है. और उसके अलावा एक होता है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड. ठीक है, तो एक मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड होता है और इसी के अंदर एक होती है मॉन्ट्रियो लिस्ट. ठीक है, इसमें उन साइट्स को जो है इंक्लूड किया जाता है जो कि जो है बहुत ज्यादा जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. ठीक है, किनसे इनको प्रोटेक्शन किससे जरूरत है? ताकि ये जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर पॉल्यूशन या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो जो साइट जो है वो खराब ना हो जाए या जो वो वेटलैंड है वो डेड ना हो जाए. ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो आपकी वेटलैंड्स के बारे में थी. इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. और उसके अलावा वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी.